आगे सर जाता हूँ के द्वारा आप जैसा कि देख रहे हैं। आइए कौन विधायक इधर सर सर चला सब जरा के विधायक जी देते हैं वाह ताकत है वाह विजय भाई फोड़िए विजय भैया फोड़ो जोर से कमजोरी को फूट गया हेलो आज किस रोड का शिलान्यास किए हैं देखिए सोलमन की पथ से लेकर के जो है वो छोटा होते हुए भिरियाही पोखर निकलेगा अलौली PW पथ में मिलेगा ये जी। ये दो विधानसभा जोड़ने वाला सड़क है जी। एक लंबे समय से यहाँ के आदमी की मांग थी हम जब चुनाव में नहीं जीते थे उस वक्त भी हम लोग भी मांग करते थे जी। तो आज हम ग्रामीण कार्य विकास विभाग को धन्यवाद देते हैं कि जिन्होंने अथक प्रयास के बाद इस सड़क का स्वीकृति करवाए हैं और जनता के हित में है। यहाँ तमाम जितने ग्रामीण थे त्राही माम था जब आगे आप अंदर जाइएगा भिरियाही पोखर तरफ में तो इतना गड्ढा गड्ढा हो गया था कि लोग आना जाना मुश्किल था। गए कि नहीं गाड़ी लेके? हाँ गए हैं हम तीन चार बार गए हैं लस्का भी हाँ लस्का भी तो लोग सहयोग किया बोला कि जल्दी बनवाइए ठीक ना तो अब समय साथ देगा तो जल्दी बन जाएगा 15-20 दिन में सब सड़क। कितना लागत का है? 1,31,00,000 का है। 1,31,00,000 पौने 3 किलोमीटर 2.75 है। इसके बाद दूसरा योजना कहाँ है आपका? दूसरा योजना है ये PWD करोटी स्वीकृति हो गई है उसका टेंडर हो गया है सोनमनकी वाला चौड़ीकरण होगा जी। बिना कंस्ट्रक्शन बेगूसराय लिए हैं हाँ। उसका वर्क ऑर्डर आ गया है एक हफ्ता पहले हो गई थी लेकिन आज अखबार में उसका आया है वो भी जून के पहले हफ्ता में काम लगेगा। तो ये जो रोड हम लोग को जो इस पार का जो जीवन है इस पार की जीवन शैली बदल जाएगी आर्थिक सामाजिक गतिविधियाँ बदल जाएगी लोगों में एक नई रोशनी आएगी आने वाला कल जो भविष्य उसको सुविधा होगा क्योंकि अब शहर जो बनना है इसी पार बनना है। हाँ सर तो आप इसी पार आ रहा है इसी पार नया खड़िया बनेगा और ये मैंने बड़ा सब मैंने बिग खड़िया की मिनी नहीं क्योंकि आपका उस पार का शहर बहुत सिमटा हुआ है यहाँ भौगोलिक स्थिति बड़ा है और धीरे धीरे आने वाले कल में अगल बगल गांव भी नगर परिषद में चला जाएगा इसलिए विकसित शहर ही होगा चूँकि इसी पार में कलेक्ट्रेट है सदर अस्पताल है कोर्ट है इसलिए जितने जनता है सभी ही आते हैं चाहे उस पार का हो इधर वाले की सुविधा होगा सड़क बनने से सोनमनकी में पुल बन रही है फिर इसका जो नया है सोनमनकी से आप बोझघसका जाते हैं बोझघसका से सारो समस्या होते हुए कामाथान तक सड़क बन रही है ग्रामीण विकास के द्वारा फिर मधुरा से आप जाइएगा तो सुनो वहाँ मुरकाही तक सड़क कई पूरी बनने पर है अब बरौड़ में प्रस्तावित पुल है वो भी बन जाएगा फिर अभी ग्रामीण विकास से बात हुई है विधानसभा में क्वेश्चन किए हैं कि रसोक के पास जो सोहरी हम लोग जाते हैं वहाँ पुल का सर्वेक्षण का काम शुरू हो गया है अगर भविष्य में पुल बन जाता है तो सीधे रसोक से आप सोहरी होते हुए फिर समस्या मिलाएंगे सीधे घूम कर चाहिएगा तो चाहो तो हो जाएगा। इस पार का जो इलाका है आने वाले 5 वर्ष में कहीं अफसर लगा और सरकार साथ दिया तो आप बुझे डेवलप इलाका होगा और कई जिला के बड़े बड़े आदमी आके यहाँ बसेंगे भी क्योंकि हिल टाइप एरिया है अभी जो बसेंगे 10-20 बस आनंद लेंगे घनिष्ठ होने में समय लगेगा। हम यहाँ की जनता को धन्यवाद देते हैं जिन्होंने आवाज़ लगाया जिन्होंने परिवर्तन किया इस आशा के साथ कि जिनको चुन रहे हैं वो काम करेंगे तो आज उनके विश्वास पर ये सब काम हो रहा है उन्हीं का ताकत है सिर्फ हम एक सहारा है प्रतीक बने हुए हैं ये रोज बोलते हैं चर्चा होती है जिसका फलाफल है कि सब सड़क का निर्माण शुरू हो रहा है। मगर एक समस्या और है जिला में बाईपास बालभाई से लेके बकरी बस स्टैंड बाईपास के बारे में क्या सोचा? बाईपास का मामला ये है बाईपास आप लोग जबरदस्ती बनाया गया उस वक्त क्योंकि उस वक्त जो नगर विकास से पैसा आया जो पैसा शेष बच गया था जी 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 ठीक है तो नगर परिषद के जो सभापति थे पदाधिकारी थे वार्ड मेंबर थे उन्होंने विचार के जो पैसा बचा है जहाँ तक बन सकता है इसको ढाल दिया जाए तक लोग आवागमन शुरू होगा तो उसमें चर्चित है कि तत्कालीन विधायक भी अवरुद्ध किए थे अखबार में न्यूज वगैरह में पढ़ा है तो एक्चुअली वो सुरक्षा बांध है तो अभी विधानसभा में क्वेश्चन किए हैं तो मंत्री जवाब दिए हैं कि हम PWD को जो है अनापत्ति पत्र दे लेकिन शर्त के साथ दे रहे हैं कि एंटी फ्लड स्विच गेट जो है वो PWD को बनाना होगा। PWD का भी नए एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सुनील कुमार जी उनसे बात हुई है वो 14 करोड़ रुपया का लगभग प्रोजेक्ट भेज दिए हैं सड़क बनने का लेकिन उन्होंने लिखा है हम बिना शर्त सड़क बनाएंगे सिंचाई विभाग बिना शर्त परमिशन दे
उसका बहस चल रही है। कल भी जूम मीटिंग था सिंचाई मंत्री से, पीडब्ल्यूडी मंत्री से और कई मंत्री थे उनसे, उन सब आग्रह किया कि आप सिंचाई विभाग के द्वारा इसको फ्री कर दीजिए ताकि इस सड़क बना सके हम। उसका भी आंदोलन हम लोग नागरिक विकास मंच कर रहे हैं, आज उनके नेतृत्व में उपवास भी है, उस उपवास में हम भी समर्थन में हैं, जनता की तरफ से जनता है, पहले जनता है तब विधायक है, तो हमको भी कष्ट होती है क्योंकि हमको भी इसी सड़क पर चलना है। तो इसलिए जनता होने के नाते पहले हम जनता हैं तब विधायक हैं, ये भावना जब से प्रतिनिधि जाएगा तभी विकास होगा, नहीं जब तक प्रतिनिधि मालिक बने रहेंगे और जनता नौकर बना हुआ रहेगा तब तक काम नहीं होने वाला। अभी देखा गया जा रहा है वर्तमान समय में, जिनको हम चुनाव जिताते हैं वो मालिक बन जाते हैं, जो कुबेर हैं जो देते हैं उनके पास जाते नहीं, वो मूक दर्शक बने रहते हैं, जो बिचौलिया है उनका पोवाड़ा है। अभी आप देखिए कल भी हम बोला है कि अभी शहर में लगातार 9 महीना से अखबारबाजी हो रहा है जी जी, कभी सम्राट चौधरी के प्रतिनिधि बोलते हैं ये सड़क बन गया वो सड़क बन गया, कभी एमपी का प्रतिनिधि बोलते हैं कि राजेंद्र चौक से बकरी बस स्वीकृति हो गई। कल के कुछ नहीं हुई, कल के डेट में जिला परिषद चिट्ठी दिया है, नगर परिषद चिट्ठी दिया है कि आज तक उनको स्वीकृति नहीं मिला है, मालूम है जी। ठीक है, अद्यतन स्थिति से अवगत कराने के लिए पब्लिक को कि आप गुमराह मत होइए, अखबार के पीछे मत जाइए, अखबार जो परोस रहा है वो वोट की राजनीति कर रहा है, आने वाला जो चुनाव है ये नगर सभापति का चेयरमैन का ये जनता के द्वारा चुना जाएगा जी जी, और जब जनता के द्वारा चुना जाएगा तो जो चुनेंगे उनको कोई भय नहीं होगा। पहले तो भय होता था कि वार्ड मेंबर चुन रहा है हमको हटा देगा, इसलिए बहुत सोच विचार करके जो है दलालों से बचना पड़ेगा, एक अच्छे प्रतिनिधि जिसका अच्छा फेस हो, जिस विचार हो, समझ बूझ कर जिताना है, ताकि आप 5 पंचायतों से जुट गया है, पहले 26 वार्ड था, ऑलरेडी शहर बना हुआ है, अभी 5 पंचायत के व्यक्ति अभी तक पंचायत के भाव में है, तो 5 वर्ष तक इसका शोषण होगा, इसलिए आज से तैयारी करा नागरिक विकास मंच कि हर गांव में जाकर समझाया जाए कि आज ही से तैयार हो कि हमारे यहाँ कितना समस्या है। ठीक है, एक अच्छे व्यक्ति को लाया जाए, नगर परिषद काम हो सकता है, नहीं तो राजनीतिक दलदल में फिर आने वाले 5 वर्ष तक जो है जो कल का ननिहाल इसको देख रहे हैं ये सब शिकार हो जाएंगे। चलिए शुक्रिया, धन्यवाद। आइए विजय, क्या नाम हो गया आपका? विजय कुमार यादव, नगर पार्षद खगड़िया। आज कहाँ हैं आप? आज सोलंकी घाट से, सोलंकी रोड से बरियाही पोखर तक का सड़क का शिलान्यास। अच्छा, ये इस बार कभी गए थे क्या? हम लोग का रास्ता ही है, हम लोग यहाँ जाते हैं खेत जी जी, हम लोग खेत पड़ता दहमा में, मुख्य मार्ग ही हम लोग का है जाने आने का, बरसात के समय में दशकों पूर्व रोड बना था, लेकिन आज तक इस रोड को देखने वाला कोई भी प्रतिनिधि नहीं था, ना सांसद बनाए ना विधायक बनाए। संयोग की बात है कि आप इस बार विधायक जी आए हैं, रोड का शिलान्यास किए हैं, इस रोड को बनने से करियार अलौली का लाइफ लाइन कहलाएगा, क्योंकि मक्का का उत्पादन अलौली से ज्यादा होता है, उसका मुख्य सड़क ही है आने जाने का, बनने से अच्छा होगा। आइए गिरीश, क्या नाम हो गया आपका? हमारा नाम गिरीश कुमार हुआ। यहाँ क्या कर रहे हैं? यहाँ तो खगड़िया में ढेर दिन से रह रहे हैं और आज आपका तिरछी न्यूज आए हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। विधायक जी ये रोड का आज नारियल फोड़ करके शिलान्यास किए हैं और खास करके अलौली जाने वाले लोगों को, इस यहाँ के ग्रामीणों को काफ़ी दिनों से काफ़ी परेशानी हो रही है। यदि आपसे हमारा रिक्वेस्ट है, आप यहाँ से लेकर के भरियाही पोखर तक चले जाइए, उसके बाद आप देखिएगा इस रोड का क्या स्थिति है। यह रोड अलौली रोड से जुड़ेगी। इन्हीं शब्दों के बाद साथ में धन्यवाद। क्या नाम मुझे? विभूति कुमार यादव। हाँ यहाँ मैं आज शिलान्यास का जो कार्य आरंभ हुआ है उस कार्य आरंभ की प्रथम तिथि में, प्रथम दिन में माननीय छत्रपति यादव विधायक जी के द्वारा आह्वान पर आया हूँ। आज क्या किए हैं? आज जो बरसों से ये सोनमनकी टू बछौता रोड कड़ा रही थी, इस कड़ा रही अवस्था को आज एक नया रूप देने के लिए, इसको एक स्वस्थ शरीर बनाने के लिए, इस रोड को सही करने के लिए मैं यहाँ उपस्थित हुआ हूँ और कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ इस माननीय छत्रपति यादव विधायक जी को, और आपको भी धन्यवाद देता हूँ कि आपने इसी तरह जन जागृति बना करके और भी नए काम के प्रति आपने जो है सकारात्मक